starts with the name of Allah, is the most merciful and kind. Assalamu alaikum, students and viewers. We will talk about electrolytic conduction and electrolysis or electrolysis. यानी के electrolytic conduction या electrolysis भी कहा जा सकते हैं. First of all, इसको हम देखते हैं कि इसके words में क्या बातें छुपी हुई हैं. Electrolysis. Electro means electricity. Lysis means यानी के किसी चीज को break कर देना, break down हो जाना उस चीज का. यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से आप किसी चीज़ को ब्रेक कर रहे हो तो ये प्रोसेस कहलाता है इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन कहलाता है. कंडक्शन क्या होता है? कंडक्शन बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, मेटेलिक कंडक्शन एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन. अगर आपने आपके करंट का फ्लो मेटल्स है उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रहा है, आपका करंट फ्लो कर रहा है, तो वो क्या रहेगा? मेटेलिक कंडक्शन. मेटल्स के ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं करंट के फ्लो से, करंट के फ्लो के लिए. अगर आपका करंट फ्लो कर रहा है मेटल्स के फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, आपका होगी मेटेलिक कंडक्शन. लेकिन अगर आपका करंट फ्लो कर रहा है, आपने इलेक्ट्रिसिटी दी है और उसमें उससे क्या हुआ है, सॉल्यूशन ब्रेक डाउन हो गया, सॉल्यूशन के ब्रेक होने से उसमें आयंस जो थे उन आयंस की वजह से करंट फ्लो हो रहा है, तो आपका होगी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन. तो बेसिकली हमारा यहाँ पर काम किससे है? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन से. ये इससे हमारा कंसर्न नहीं है, हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन से, क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं यहाँ पर. और ये जो प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियसली होता है, यानी कि ये खुद ब खुद परफॉर्म नहीं होता. इसको परफॉर्म करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है. आप जितनी देर इलेक्ट्रिसिटी देते रहोगे ये प्रोसेस होता रहेगा. जहाँ आपने इलेक्ट्रिसिटी स्टॉप की वहीं जाके ये प्रोसेस केमिकल रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा. व्यूअर्स, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है. जब आप किसी प्रोसेस में किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करोगे तो वो आपको रिजल्ट में केमिकल एनर्जी देगा. और अगर आप किसी प्रोसेस में ये देखो कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, खुद ब खुद हो रहा है, तो वो आपको खुद ब खुद देगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा. लेकिन अगर आप किसी प्रोसेस में इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो वो नॉन स्पॉन्टेनियसली रिएक्शन होगा, नॉन स्पॉन्टेनियसली होगा तो वो आपको केमिकल एनर्जी कन्वर्ट केमिकल एनर्जी देगा. इस प्रोसेस में क्या होता है व्यूअर्स, इसमें भी रिडॉक्स रिएक्शन होता है, यानी कि रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन होते हैं by means of non spontaneously reaction. यानी कि non spontaneously reduction भी होगा और oxidation भी होगा. यहाँ पर आपने क्या किया, आपने एक cell ले लिया. ये जो device है ना, ये ऐसे ये जो पड़ा हुआ है, इसको हम cell भी कहते हैं, इसको device भी कह सकते हैं. आपने एक cell लिया, इस cell के अंदर आपने दो electrodes को fit कर दिया, आपने एक battery लगा दी. battery से जब आपने current flow करवाया तो क्या हुआ, जैसे ही current यहाँ से करंट आया, आते आते इस सॉल्यूशन तक पहुँचा, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भी कह सकते हैं इसको, इलेक्ट्रोलाइटिक कंपाउंड भी कह सकते हैं. व्यूअर्स, ये जो कंपाउंड है ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, सोडियम क्लोराइड. इसको हमने लिया, इसको हमने मोल्टन फॉर्म में लिया या हमने इसको लिया एक्वस सॉल्यूशन में. हमने इसको सॉलिड फॉर्म में नहीं लेना, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में आयनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, इसलिए कि उनके जो आयंस होते हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत टाइटली पैक होते हैं, उनमें से करंट का फ्लो पॉसिबल नहीं होता. अगर आपने कोई आयनिक सॉल्यूशन लिया है तो आप या तो उसको मोल्टन फॉर्म में लेके आओ या आप उसको लेके आओ एक्स फॉर्म में लेके आओ. सोडियम क्लोराइड है, अगर आप उसको मोल्टन फॉर्म में लेके आओ तो मीन्स कि उसको आपने उसमें पानी नहीं ऐड करना, आपने क्या करना है, सोडियम क्लोराइड लिया उसको 800 डिग्री सेल्सियस तक आपने टेम्परेचर देना है. इसका इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है तब कहीं जाकर ये सोडियम क्लोराइड पिघलता है. या तो आप इसको पिघली हुई फॉर्म में ले आओ, मोल्टन फॉर्म में ले आओ इतना टेम्परेचर देने के बाद, या आप इसको क्या करो, वाटर में ऐड करके इसका सॉल्यूशन बना लो. इस तरह से हमने लिया सोडियम क्लोराइड, यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक एक सॉल्यूशन ले लिया, जैसे ही करंट हमने पास करवाया तो क्या हुआ, सोडियम एंड क्लोरीन इन दोनों के दरमियान का बॉन्ड ब्रेक हो गया. ये दोनों एक दूसरे के साथ आयनिक बॉन्ड के जरिए बहुत टाइटली पैक थे, यानी कि बहुत टाइटली एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे. जैसे ही हमने करंट दिया इनको, इन दोनों के दरमियान का बॉन्ड ब्रेक हो गया, सोडियम कैटायन में कन्वर्ट हो गया एंड क्लोरीन एनायन यानी कि नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया. इसमें आयंस प्रोड्यूस हो गए. अब इन आयंस ने क्या किया, क्लोरीन नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव, ये देखें पॉजिटिव कैथोड की तरफ यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा. और सोडियम है, सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये कैटायन होता है और पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करेगा. इस तरह से क्या होगा, ये रिएक्शन इस तरह से प्रोसीड होने शुरू हो जाएगा, यानी कि रिस्पेक्टिव आयंस क्या करेंगे, अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करने शुरू हो जाएंगे. कैटायन है, पॉजिटिव चार्ज है, ये कैथोड की तरफ चला जाएगा. क्लोरीन है, इस पर नेगेटिव.
नेगेटिव चार्ज है ये एनोड की तरफ चला जाएगा। इस तरह से ये हमारा केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होना यानी कि शुरू हो जाएगा जब तक आप इसको इलेक्ट्रिसिटी देते रहोगे। ये जो आयंस है ये रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करते रहेंगे। ये सारा प्रोसेस क्या कहलाता है और इसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन भी एक साथ साइमल्टेनियसली हो रहे होंगे, यानी कि एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे पर रिडक्शन होगा, यानी कि नॉन स्पॉन्टेनियसली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होगी। नॉन स्पॉन्टेनियसली रिडॉक्स रिएक्शन परफॉर्म होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर। अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर स्पॉन्टेनियसली रिडॉक्स रिएक्शन होगा या नॉन स्पॉन्टेनियसली, तो आप कहोगे नॉन स्पॉन्टेनियसली, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन करवाने के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और जब भी हम किसी प्रोसेस में इलेक्ट्रिसिटी देने से वो प्रोसेस करवाएं तो वो प्रोसेस क्या कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियसली। तो ये सारा प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियसली होगा। सो व्यूअर्स मैंने इसके अकॉर्डिंग आपको अच्छे से समझा दिया। इसमें आयंस की मूवमेंट होती है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, क्योंकि आयंस बन जाते हैं, आयंस में कन्वर्ट हो जाता है ये सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ये वाला है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कौन सा है? ये वाला सोडियम क्लोराइड। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कौन सा है? ये जो डिवाइस है। और ये पूरा प्रोसेस क्या कराता है? इलेक्ट्रोलाइसिस कराता है या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन कराता है। सो व्यूअर्स होपफुली यू अंडरस्टैंड। अगर कोई आपसे इसमें यानी कि कुछ ना समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछेगा, दोबारा आपके साथ क्लियर कर दूंगी। अल्लाह हाफिज़ एंड गॉड ब्लेस यू।